सब्सक्राइब कीजिए लाइनल डिसोज़ा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज बहुत दिन के बाद आज मेरे पास है सैमसंग का नया फोन सैमसंग गैलेक्सी S20 FE. तो इसके बारे में आज आपको टेक रिव्यू देने वाला हूँ. इसका कैमरा क्लैरिटी कैसा है, इसका स्टोरेज कैसा है, इसमें 120Hz डिस्प्ले तो वो कैसे परफॉर्म करता है बोल के. तो चलिए शुरू करते हैं. इसका पैकिंग देखो तो भी बहुत ही अच्छा है. व्हाइट कलर, लेकिन व्हाइट कलर है, थोड़ा गंदा भी बहुत ही जल्दी भी होता है, लेकिन पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छे से किया. इधर ब्रांडिंग दिया है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE बोल के. उसके बाद इसका प्राइस दिखाते हैं 65,999, लेकिन इसका प्राइस है अभी आपको सैमसंग वेबसाइट या किधर भी जाके चेक किए तो भी आपको इसका प्राइस आता है 49,999. ये है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ. अगर आप अभी फोन लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा दिन के लिए भी वेट कीजिए, क्योंकि इसका जैसे रूमर्स है कि इसका नया वर्षन 256GB वेरिएंट का भी नया फोन लॉन्च होने वाला है. तो अभी मेरे पास है सैमसंग का ये S20 FE 8GB रैम 128GB स्टोरेज का. तो अभी इसका बॉक्स ओपन करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और इसके बाद अंदर क्या कुछ कंटेंट्स मिलता है बोल के देख लेंगे. अनबॉक्स करते ही इधर देख सकते हैं इसके अंदर और एक बॉक्स है. इसके अंदर क्योंकि ये 50,000 का फोन है, इसके अंदर बैक कवर भी नहीं मिलता है. उसके बाद इधर ऊपर में रखा है सैमसंग का नया फोन S20 FE. ये है ब्लू कलर में, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है कलर भी. आपको ऑलमोस्ट ये डिजाइन सेम है कि आपका नोट जो सैमसंग का नया फोन लॉन्च हुआ था नोट 20 जैसा ही डिजाइन है. बैक साइड ट्रिपल कैमरा बोल के इसको अभी साइड में रखेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ मिलता है बोल के. इसमें आता है आपको 15 वाट्स का फास्ट चार्जिंग. नॉर्मली ये फोन भी आपको S20 FE सपोर्ट होता है 25 वाट्स के साथ, लेकिन इसमें बॉक्स में दिया है सिर्फ 15 वाट्स का चार्जर. उसके बाद देखा तो भी इसमें आपको ईयरफोन्स भी नहीं मिलता है. M51 या M31 या A71 उसी सभी में फोन में भी सुपर फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन ये 50,000 का फोन का वर्थ का फोन में भी सिर्फ 15 वाट्स का चार्जर दिया है, लेकिन ये सपोर्ट करेगा 25 वाट्स, लेकिन बॉक्स में सिर्फ 15 वाट्स का ही चार्जर दिया. तो अभी S20 FE को बूट करेंगे और देखेंगे इसका डिस्प्ले क्लैरिटी सब. कौन सा भी ब्रांड को आप कंपेयर कीजिए, लेकिन सैमसंग का जो डिस्प्ले आता है वो कौन सा भी ब्रांड वाले भी कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिस्प्ले भी अभी S20 FE का भी डिस्प्ले बहुत ही मजेदार डिस्प्ले है. डिटेल भी बहुत ही अच्छे से डिटेल सब आता है. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जो देख सकते हैं फुल डिस्प्ले है. फुल डिस्प्ले का मतलब आप जब भी वीडियो सब देखते हैं, गेमिंग खेलते हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि आपको फुल डिस्प्ले में कवर होगा. उसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन भी चेक किया तो सॉफ्टवेयर का Android 10 वर्जन है. Android 10 तो मोस्टली ये अभी वन प्लस में सब भी एंड्रॉइड 11 अपडेट आ चुका है. हो सकता है कि अभी 1 month या 2 months के बाद इसमें भी आपको एंड्रॉइड 11 वर्जन अपडेट आएगा. उसके बाद इसमें चेक किया तो सैमसंग का वन यू आई 2.5 वर्जन है. तो उसके बाद इसमें स्टोरेज चेक किया तो 128GB स्टोरेज है, लेकिन क्या है ना इसमें आपको डुअल सिम डालो तो मेमोरी कार्ड एक्सटेंड भी नहीं कर सकते. ये है हाइब्रिड स्लॉट, अगर टू सिम कार्ड डालो तो मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते. मेमोरी कार्ड डालते तो भी आपको ऑलमोस्ट 5GB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते. रूमर्स था कि S20 FE में आपको 5G वर्जन आएगा, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4G वर्जन ही आया है. हो सकता है इन फ्यूचर में 5GB आ सकता है. अभी तो रूमर स्प्रेड है कि इसमें 256GB वेरिएंट का भी फोन लॉन्च कर रहे हैं. इसका और कैमरा कंपेयर किया तो मेन कहते हैं 12 MP, उसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल भी 12 MP, उसके बाद 3x जूम के लिए 8 MP के कैमरा साथ. उसके बाद फ्रंट कैमरा आता है 32MP कैमरा. कैमरा मोड्स में भी बहुत सारे मोड्स है, जैसा आपको नोट 20 में सब आता था प्रो मोड, लाइव फोकस, वीडियो, वो सब कुछ आपको इस फोन में भी मिलता है. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग का S20 FE में फ्रंट कैमरा में लाइव फोकस वीडियो मोड में से. देख सकते हैं इसका क्लैरिटी कैसा है, कैसा बैक साइड में बोके इफेक्ट देता है बोल के. तो अभी मैं स्विच करूंगा बैक कैमरा को. तो अभी मैं ये कैमरा स्विच किया हूँ बैक कैमरा में नॉर्मल मोड में. तो अभी देख सकते हैं इसका क्लैरिटी भी कैसा है, कैसा इफेक्ट सब देता है. उसके बाद मेरा वॉइस क्लैरिटी भी कैसा है. मैं नॉर्मली इधर वॉक करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो अभी मैं स्विच करूँगा वाइड एंगल कैमरा पे. तो अभी मैं ये अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. देख सकते हैं कितना वाइड कैमरा है. उसके बाद मैं विदाउट गिम्बल ये यूज़ कर रहा हूँ. अगर सोचिए कि आप व्लॉगिंग सब करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना है, टूर के लिए सब जाता है, व्लॉगिंग सब करना है, तो ये बहुत ही अच्छा है. उसका कैमरा क्लैरिटी भी देख सकते हैं कितना अच्छा है बोल के.
तो इसी से आप देख सकते हैं कि कैमरा कितना जस्टिस करता है या नहीं, इसका क्लैरिटी सब कैसा है, वॉइस क्लैरिटी भी कैसा है बोल के। आपको बजट प्राइस में बहुत ही अच्छा फोन है कंपेयर किया तो दूसरा कॉम्पिटेटिव ब्रांड को भी, वन प्लस को कंपेयर किया तो भी। वन प्लस में क्या है ना, आपको 50,000 का रेंज में 256 GB स्टोरेज दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंडेबल भी ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन इसमें आपको एक्सपेंडेबल भी है। इसका कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, आपको डिटेल सब जब फोटो सब खींचते हैं तो भी बहुत ही अच्छा डिटेल सब देता है। तो मैं सोचूंगा कि इस फोन का कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, उसके बाद बैटरी भी 4500 mAh का है, इसका डिस्प्ले है 6.5 inches इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ, तो कंप्लीट पैकेज मिलता है। अगर आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं तो 256 GB ले सकते हैं। अभी प्राइस भी आपको ऑफर सब चल रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि आपको अभी ये फोन खरीदना बहुत ही अच्छा है। मेरा ओपिनियन है कि 50,000 का बजट में आपको सैमसंग में जाते हैं तो आपको S20 FE ही बेस्ट मॉडल है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।